हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो अभी हो रहा मॉर्निंग का 7 o'clock और बच्चे गए हैं स्कूल, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। हाँ, पहले एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। बेटे के तो कब से स्टार्ट हो चुके हैं, उसके 1 तारीख से स्टार्ट हो गए थे और बेटी के भी 12 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोनों गए स्कूल रेडी होके और अभी हो रहा है मेरा योगा टाइम। और मेथी दाना बॉईल करके रखा है मैंने, देखिए मैंने इसमें मेथी दाना बॉईल करके रखा है, अभी जस्ट बंद किया है ये। तो मैं रात को इसको भिगा के रख देती कटोरी में, एक चम्मच से थोड़ा कम, और फिर उसे मॉर्निंग में अगर मैंने 1 गिलास पानी लिया है तो उसको 1/2 गिलास वाटर होने तक उसको बॉयल करती हूँ। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना रहता है तब उसको मैं पीती हूँ खाली पेट। और अभी इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, तब तक 1 गिलास गर्म पानी पी लेते हैं गुनगुना। और आज को थोड़ा सा तबीयत चल रही है ढीली, क्योंकि मुझे हो रहा है सर्दी जुकाम। मुझे क्या, बच्चों को भी हो रहा है, बेटी को भी हो रहा है, उसको कोल्ड एंड कफ हो रहा है, मुझे भी कोल्ड एंड कफ है। और आज का मौसम दिखाती है आपको दिल्ली में, इतना काफ़ी दिनों बाद, मतलब बीच में हुआ था 1-2 दिन में, मतलब 4-5 दिन पहले अच्छा मौसम हो रखा था, मतलब बाहर काफ़ी अच्छा हो रहा था, ठंडा हो रहा था मौसम, बीच में फिर गर्म होने लग गया था। और अब अभी देखें मॉर्निंग में सुबह सुबह ना इतना ख़तरनाक मौसम हो रहा, लगता है कि अभी जैसे बारिश हो पड़ेगी। तो अभी आपको बाहर ले जाती हूँ, दिखाती हूँ बाहर का वेदर, और वो भी आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं कि कैसा हो रहा है यहाँ का वेदर। फ्रेंड्स, ये देखिए बाहर का वेदर कितना ख़तरनाक हो रहा है, बिल्कुल बारिश आने वाला हो रहा है। हवाएं चलने लग गई, अभी जस्ट हवा नहीं चल रही थी, अब हवा चलने लग गई है। देखिए कितना भयंकर मौसम हो गया अभी में। आसमान की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा जाल है ना, इस वजह से प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। वाह, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। अब देखो बारिश कितनी भयंकर होती है। बस बच्चों के स्कूल पहुंचने तक ना हो जब तक वो क्लासरूम के अंदर नहीं पहुंचते, लेकिन लगता नहीं है कि तब तक रहेगी ऐसा मौसम। तो आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर मौसम हो गया है। कपड़े भी डले हुए बाहर, कहीं बारिश अचानक से आई तो भीग जाएंगे। तो थोड़ी देर यहीं पे खड़े होते हैं, दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हो रहा बाहर का पूरा वेदर। और ये देखिए, ये यहाँ पे तुलसी का पौधा लगाया था मैंने, इतना अच्छा हो गया है। और ये देखिए मिर्ची का पौधा है जिसमें कुछ भी फल नहीं आ रहा है, इसकी मैंने कितनी बार कटिंग कर दी। इस बार तो मैंने ये पूरी तरह से कटिंग कर दी थी, लेकिन देखिए इसमें फिर से फूल आना शुरू हो गया। लेकिन फल आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते। और ये देखिए गुलाब की भी मैंने कटिंग कर दी थी, और ये न्यू प्लांट, न्यू फैमिली मेम्बर मेरा। और ये देखिए, और इधर की साइड जो मिर्ची के पौधे हैं ना, इनमें भी ना फूल आने लग गए। अब पता नहीं, ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए, जो मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए थे उससे भी बड़े थे मिर्च के पौधे जो है। अब लगता है ऊपर हाइट कुछ हो ही लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बाहर का वेदर कैसा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। क्या हवा चल रही है। तो मैंने सोचा कि बाहरी मौसम के साथ ही गुनगुना पानी पिया जाए हवा का आनंद लेते हुए। वैसे कहते हैं कि पानी को ना बैठ के पीना चाहिए और सिप सिप करके पीना चाहिए, बट आजकल इतनी भागदौड़ वाली लाइफ होती है ना, किसी को भी ना, मतलब एक पानी भी इंसान मतलब ढंग से नहीं पी सकता आराम से बैठ के, क्योंकि उसके पास टाइम की शॉर्टेज है शायद, ऐसा बोलते हैं। और होता भी होगा लेकिन पता नहीं, लेकिन हमें तो जैसी कंडीशन में पानी मिल जाए हम वैसे पी लेते हैं। बट ये है कि रूल्स के हिसाब से किया जाए तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा हो रहा है बाहर, वेदर कितना अच्छा हो रहा है, और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हवा चल रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखते हैं कितनी देर में आती है बारिश, क्योंकि हवा जब चलती है तो बारिश को अपने साथ लेके जाती है। तो देखते हैं, लेट्स से यह है कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो आपने देख लिया यहाँ का वेदर कैसा हो रहा है, आपके इधर का वेदर कैसा हो रहा है आप भी कमेंट करके बताइएगा कि कितनी गर्मी हो रही है और आज का मौसम कैसा था। यहाँ तो देखिए तरह से हो रहा है मौसम। तो फ्रेंड्स, आपने देखा बाहर मौसम कैसा हो रहा था। तो जब तक मैं थी तो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी बाहर, और बारिश में भी स्टार्ट हो गई होगी क्योंकि मैं तो अंदर आ गई थी। मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया था और बाहर का मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है।
अब थोड़ी देर 1 घंटा करते हैं योगा, और क्योंकि 1-2 दिन से ना तबीयत ठीक नहीं थी, ये कोल्ड और कफ की वजह से ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कुछ भी करने की, बस बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी मुझे और बेटी को हो रहा है, बेटे को भी है हल्का हल्का। तो क्योंकि मौसम सडनली वेदर एकदम से चेंज हो रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम में बदलाव भी आने लग गया है, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स आज कम से कम 2-3 दिन हो गए योगा नहीं किए हुए, तो पहले आज योगा करते हैं थोड़ी देर, जितना भी हो सके पॉसिबल, आधा घंटा पौन घंटा जितना भी हो पाएगा मेरे से वो करती हूँ, वरना मैं 1 आवर करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है तो सिर्फ आधा पौन घंटा करके देखती हूँ। तो चलिए योगा करते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में ब्रेकफास्ट के समय, क्योंकि फिर योगा करने के बाद मेथी दाना पानी लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद नहा दो के मंदिर में पूजा पाठ, फिर नाश्ता। नाश्ते में मैंने आज ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए तो पराठा बनाया था, लेकिन हम लोगों के लिए पराठा नहीं है, आलू का पराठा भेजा था उनके लिए, और हम लोग करेंगे, मैं बनाऊंगी, हमारे रात की गोभी की सब्ज़ी पड़ी है, तो अगर पराठा बना दूंगी तो सब्ज़ी वेस्ट जाएगी, क्योंकि मैं रात की सब्ज़ी को सिर्फ सुबह तक निपटा देती हूँ, मतलब सुबह ही उसको फिनिश कर देती हूँ, दिन तक ही रखती हूँ। तो बाद में फ्रेश रोटी बनाऊंगी और सब्ज़ी है, तो बाद में दिखाऊंगी आपको ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है, बता ही दिया है मैंने बन क्या रहा है, तो बाद में मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के समय। फ्रेंड्स फाइनली मेरा सारा वर्क हो चुका है, कपड़े अपड़े धुल चुके हैं, झाड़ू पोछा सब हो गया, नहा धो के और ब्रेकफास्ट, अब जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने। तो जैसे कि मैंने बताया ब्रेकफास्ट में आलू गोभी की सब्ज़ी है रात की, तो वही गर्म करूँगी, और बाकी क्या क्या है ब्रेकफास्ट में चले चलते हैं किचन में और आपको भी दिखाते हैं, फिर अभी हमारे साथ ब्रेकफास्ट इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और आप देख सकते हैं नाश्ते में आज मैंने बनाया है अपने हस्बैंड के लिए सूजी का हलवा, क्योंकि उनको खाने को मतलब बहुत कम खा पाते हैं वो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ऑफिस जाते हैं और या फिर बच्चों के लिए बनता है, और मीठा वैसे भी वो अवॉइड करते हैं, तो मैंने कहा सूजी का हलवा बना देती हूँ उनके लिए, और यहाँ पर बन रही है मेरे चाय, वो चाय नहीं पीते हैं तो चाय मेरे बन रही है। और यहाँ पे देखिए ये है मेथी दाना जो सुबह मैं बॉईल करके पीती हूँ, और जो बाकी बचता है रेस्ट वो उसकी सब्ज़ी बनती है, और यहाँ पे देखिए रात की गोभी और आलू की सब्ज़ी है, और इसमें मैंने मूली भी कट की है, और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ सुबह के टाइम पे दूध नाश्ते के साथ। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट इस तरीके से। तो अभी सब्ज़ी गर्म नहीं की है, इसको अभी गर्म करती हूँ, तो ये देखिए गर्म भी हो चुकी है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने मेरी थाली है चाय सब्ज़ी सूजी और वो हलवा, और ये हस्बैंड की थाली है, तो मैंने अपने लिए मीठे में कम मीठा कम डाल के निकाला है सूजी, और बाकी हस्बैंड के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, और नाश्ते में जैसे कि आपने देखा है क्या क्या बना था आज, और हस्बैंड गए हैं ऑफिस, और तो चलिए चलते हैं बच्चों को लेके आते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो मतलब 12:30 अप्रॉक्स आ जाते हैं, कभी 12:20 पे भी आ जाते हैं। तो चलिए बच्चों को लेके आते हैं, बच्चों से पूछते हैं कैसे उनके एग्ज़ाम गए, आज जिया का भी एग्ज़ाम था, जिया का इंग्लिश ओरल और इंग्लिश रिटन था, तो चलिए चलते हैं लेके आते हैं बच्चों को, फिर पूछते हैं उनका कैसा रहा एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, और बच्चों ने आके चेंज भी कर लिया है, और जी आ गई है जी, आपका एग्जाम कैसा रहा, गुड आफ्टरनून बोलो सबको। बहुत अच्छा था, गुड आफ्टरनून, पर मेरे पास सुनो जो हमारा कल भी हमको राइट वाल लाइट ले, तो कल भी तो टाटा हिंदी का राइट बुक, कल थोड़ी ना होगा फिर मंडे को है वो, तो आज आज जिया का इंग्लिश राइम्स था और रिटर्न था, तो आपने कौन सी राइम सुनाई मैम को? This is a bird, so and so. खड़े होके बताओगी, एक मिनट खड़े होके बताओगी सबको पोएम, आपने कौन सी पोएम करी और कैसे करी, कैसे बताया बताओगी? तो फ्रेंड दिखाते हैं बैक कैमरे से जिया ने कैसे करा, और आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि जिया का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फ्रेंड्स अब जिया बताएगी कि उसने कौन सी राइम सुनाई है, चलो जिया सुनाओ स्टार्ट। आगे क्या बोला आपने बताओ, टुडे वेरी गुड। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जिया ने कौन सी राइम से सुनाई और किस तरह की राइम सुनाई है, तो जिया ने इस तरह से पोएम सुनाई आज, और इंग्लिश में क्या दिया था मैम ने कभी को आपको रिटन में एनवर्ड्स दिया था, एनवर्ड्स आपने क्या बनाया एनवर्ड्स बताओगी? अरे वो एनवर्ड ने बनाया था, किसी और ने बनाया था, हमने कहा बनाया, फिर आपकी नोटबुक में तो एनवर्ड्स कराया ना, मैम ने बोला था ए वर्ड्स ए साउंड वर्ड्स दूंगी, आपने करा
अरे वो बुक ने कर दे दी थी, अब आपने तो धोले। रिटर्न में क्या कराया आपको इंग्लिश में? एडवर्ड्स। एडवर्ड्स कराया? क्या क्या बनाया एडवर्ड्स आपने? अरे मैंने कहा बनाया कि चौड़ा बनाया तो था। तो आपको क्या दिया इंग्लिश में रिटर्न करने के लिए? बता रही हूँ, जैसे कैप होती है, पैर होता है, जैसे वो दिया है। अच्छा, पता नहीं आप कभी इसको मुंह में नहीं डालते हैं। तो फ्रेंड्स, जिया की बात सुन लिया आपने? पता नहीं ए वर्ड से दिए थे, साउंड वर्ड से, मैंने तो उसको सब कराए थे, एन वर्ड से, एफ वर्ड से, एड वर्ड से सारे करा के भेजे थे, इसको आते भी थे। बाकी स्कूल में क्या हुआ मुझे भी नहीं पता ढंग से। तो चलिए अब दक्ष से पूछते हैं, दक्ष का एग्ज़ाम कैसा गया? तो फ्रेंड्स, अब दक्ष से पूछते हैं, दक्ष का एग्ज़ाम कैसा गया? किसका पेपर था दक्ष आपका? एसएसटी। गुड आफ्टरनून भी तो बोल। तो इसका एसएसटी का था और एक इंग्लिश का मेन सब्जेक्ट, सॉरी साइंस का हुआ है। तो कैसा गया आज का एग्ज़ाम बताओगे आप जरा? बेकार सा। क्या हुआ? दो गलत कर दिए। एक्चुअली दो गलत नहीं किए इसने, इसको सब आता था और पेपर, पूरा पेपर आता था इसको, बट वही है ना, बच्चे जल्दबाजी करते हैं। तो एक चिलिंदा ब्लैंक्स था, तो वो इतनी बार मैंने इसको रिवीजन करवाया था, बट एट द एंड वो उसके बाद भी, मतलब उस आंसर को उसको भूल के ही आगे चिलिंदी ब्लैंक्स में क्या आएगा, जबकि वो उसने बहुत बार पढ़ा था। स्टेपल फूड था, स्टेपल आना था वहाँ पे, मुझे भी लर्न हो गया था वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। तो ये वो छोड़ के आया। और एक जगह बच्चे करते हैं ना मिस्टेक्स, बच्चों को होता है एक रूटीन बना देते हैं ये, अपना जो पढ़ते हैं ना ये सोचते उसी प्रोसेस में चल रहा है। तो समर की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस तरह से मैं उसको सिखा रही थी कि समर की दो फ्रूट्स और दो वेजिटेबल्स ड्रॉ करनी है और विंटर की दो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ड्रॉ करनी है। तो इसने क्या करा, वहाँ पे फ्रूट्स दिया था, इसने फ्रूट्स ना पढ़ के ये वहाँ पे वेजिटेबल्स ड्रॉ करके आ गया। तो बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को रीड नहीं करते प्रॉपर तरीके से, तो इसने उसको रीड नहीं करा और उसके बदले वहाँ पे ये फ्रूट्स, सॉरी वेजिटेबल्स ड्रॉ करके आ गया फ्रूट्स के बदले। और कौन कौन सी वेजिटेबल्स ड्रॉ करी आपने समर में? और जब पूछो ना इससे कि आपने ऐसा क्यों किया, वहाँ पे फ्रूट्स लिखा था, आपने वेजिटेबल्स क्यों ड्रॉ करी, तो बोलते हैं मम्मी मे भी शायद हमारा पेपर एक्सचेंज हो गया हो। मैंने कहा पेपर कैसे एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि उसमें तो आपका नेम लिखा है, कह रहा सबको अलग अलग सेट मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह की लापरवाही करके आया है, अदरवाइज को पूरा पेपर आता था। वही है ना, बच्चे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा देते हैं, तो बच्चों से ज़्यादा ना जो स्टडी करवाता है ना घर में उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि छोड़ के आ गया है, तो मैं इसको मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने इसको बोला चल ठीक है, अभी से तू, तेरा मैथ्स का पेपर है तो उसकी प्रिपरेशन करने बैठो, कोई टीवी नहीं देखने दूंगी। बट बाद में रियलाइज़ हो जाता है धीरे धीरे करके कि यार चलो बच्चे ही हैं, थोड़ी मिस्टेक होती, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बट हम लोगों के से प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि हम लोग घर का सारा काम, इतना प्रेशर होता है, घर का काम भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, स्टडी भी करानी है, उस बच्चे को भी पढ़ाना है, उसको भी पढ़ाना है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अपना दो दो तीन तीन घंटा बच्चों के पीछे लगाते हैं हम लोग, उसके बावजूद भी अगर बच्चा पेपर ढंग से ना करके आए ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मेरे को भी सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि इसको वो चीज़ आती थी, उसके बावजूद भी ये गलत करके आ गया। और वो था कि चलो कोई बात नहीं, फिलिंदा ब्लैंक्स स्टेपल फूड वाला उसको नहीं आया, कोई बात नहीं। बट जो वो फ्रूट्स के बदले जो वेजिटेबल्स ड्रॉ करके आ गया, उसका तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि क्लियरली लिखा था कि आपको फ्रूट्स ड्रॉ करने हैं और वो वहाँ पे वेजिटेबल्स बना के आए। तो ये बहुत इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है बच्चों का, क्योंकि ध्यान से पढ़ाई, पढ़ना नहीं, क्वेश्चन को रीड नहीं करना, जबकि मैं इसको रोज़ ये चीज़ें बोलती हूँ, पहले रीड कर लो, आपको एग्ज़ाम में जो आता है पहले उसको करो, बाकी जो जो नहीं आता उसको आप लास्ट में अटैम्प्ट करो, लेकिन अटैम्प्ट जरूर करने की कोशिश किया करो, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लिख के आया करो। और एट द और सबसे ज़रूरी है कि आपका जो राइटिंग है, आपकी जो राइटिंग वो एकदम क्लियरली होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो सही लिख भी रहे हैं अगर वो किसी को समझ में नहीं आया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये लापरवाही करके आया है, बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे उस टाइम पर, बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट है मंडे को इनका मैथ्स का पेपर है, तो देखते हैं आई होप कैसा करता है। अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करानी है मुझे, अब बाकी बेस्ट उसको देना है बच्चे को, कितना वो कर सकता है, लेकिन बहुत कोर्स है उसमें, ज्योमेट्री भी है और साथ में मैथ्स में भी है, तो आई होप देखते हैं। चलिए तो आज तो डांट उसने बहुत खा ली है मेरे हाथ से, और चलिए कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कराते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स काम हो जाती हूँ मैं। गुस्सा तो अभी भी है हल्का हल्का कि यार इतना आता था उसको फिर भी छोड़ के आ गया,
तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए बच्चों के लिए थोड़ी देर में लंच बनाते हैं और बच्चे उनको आते ही कुछ खाने पीने को चाहिए। ये देखो ये इतने लापरवाह बच्चे, कोई फ़र्क नहीं है उसको, देखो स्माइल है चेहरे पे, कुछ फ़र्क थोड़ी ना उसको, मैं फ्रूट्स के बदले वेजिटेबल्स ड्रॉ करके आया हूँ, है कुछ है? इसका पता है क्या है इसका सबसे अच्छा, ये क्या करता है, पूरी मिस्टेक होगी तुरंत सॉरी, तुरंत एक मिनट भी नहीं लगाता सॉरी बोलने में कि उसके, लेकिन तुरंत बाद फिर वही मिस्टेक से करता है ये, है ना। ये देखिए तो फ्रेंड्स चलिए लंच की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं आपको लंच के बाद। इधर को देखो मेरी तरफ। तो फ्रेंड्स अब हो गया है दिन का, बच्चे है दो, तो लंच बन चुका है, बच्चे कर रहे हैं लंच, बच्चों को लंच दे के आ गई हूँ और अभी आप बाहर का वेदर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बजा है दिन का दो और बच्चों का आए हो गया है एक डेढ़ घंटा और बन गया है लंच, दिन का बच्चे कर रहे हैं लंच और मैं भी आई हूँ बालकनी में। मैंने आपको सुबह दिखाया था ना कि यहाँ का वेदर कैसा हो रहा है, सुबह यहाँ पर बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा था और अभी देखिए इतनी तेज़ धूप आ रही है, तो कोई कह नहीं सकता है कि सुबह यहाँ बारिश का मौसम था। तो अभी बैठ के अपने दिखा दी कैसा हो गया यहाँ का वेदर। तो फ्रेंड्स देखिए सुबह के टाइम पे मौसम कितना भयंकर था ना, बारिश का हो रहा था और अभी देख सकते हैं बादल भी लगे हैं, लेकिन धूप इतनी अच्छी आ रही है कोई कह नहीं सकता कि सुबह के टाइम पे यहाँ पे मौसम इस तरह का होगा। और ये देखिए मैंने इसको खाना खाने को दिया है और ये बाहर आ गई है, जाओ खाना खाओ। और देखो चॉकलेट खा के मुँह यहाँ से सारा गंदा कर रखा चॉकलेट से। गाना गा रही किशना का। और ये देखो ये खाना खाने के बीच में बाहर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख ही रहे होंगे कि मौसम कितना सडनली चेंज हो गया है, तो सुबह बारिश का मौसम और अभी धूप अचानक से धूप, तो ये मौसम ही है इसका कुछ नहीं कह सकते हम। तो चलिए अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा बाहर सुबह कैसा मौसम था और दिन में अभी धूप आ गई है, कोई कह नहीं सकता कि बारिश हो रही हुई थी सुबह के टाइम पे। तो फ्रेंड्स चलिए लंच बन गया है, लंच बच्चे लंच कर रहे हैं और मैं भी करती हूँ, उसके बाद बच्चों को थोड़ी देर सुलाती हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।